लक्ष्मण नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए आप भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से सारा कुछ और भगवान जी के कीजिए दर्शन। आज संडे है दोस्तों, संडे सोशल मनाते हैं, आप भी मनाइए और हम भी मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान जी। तो भगवान जी के दर्शन कीजिए और अपने दिन को कीजिए शुभ। आज बच्चों की छुट्टी है, सोए हैं, उन्हें भी जगाती हूँ और थोड़ा सा आपको ना आज का मौसम दिखाऊंगी। कितना सुहावना, कितना रंगीन मौसम है आज का, मजा आ रहा है। कभी धूप, कभी बादल, कभी छाया, कभी हवा ठंडा। दोस्तों कितने घनघोर बादल लगे हुए हैं आसमान में और थोड़ी थोड़ी सूर्यदेव भी कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। वो देखिए ये थोड़ा सा हवा बंद है, नहीं तो इतनी खतरनाक हवा चली थी हमारे, तो सारे गमले वमले भी ऐसे हो गए, सब टूट टाट गए सारे, ये नीचे गिरे थे, सुबह उठाए हमने सारे। रात बारिश भी हुई थी, दिनचर्या शुरू। पतिदेव नहीं रही है, उठने का नाम नहीं ले रही है, उठती नहीं है ना। हमारे घर पूरा सुना सुना लगता है जब तक ये चीखती नहीं है घर में। उठो बच्चे, नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। और देखो ये देखो फरमाइश, देखो बेड में है और चाय दो बल। उठो ब्रश, उठो फ्रेश हो और ब्रश करो। तैयारी हो रही है दोस्तों, भरपूर मात्रा में नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता में बनाया जाएगा मौसम के अनुसार गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी के साथ खाई जाएंगी, क्योंकि मौसमी पकौड़ी खाने लायक हो रहा है। जय श्री नारायण बोलो बच्चे। और मेरे पास ये लगे हैं कार्रवाई में, ये पकौड़े का मसाला बैटर तैयार हो रहा है। देखिए फिलहाल बैटर तैयार हो रहा है जो भी, उसके बाद आलू प्याज के बच्चों, क्योंकि बच्चे कहते हैं मेरे मम्मा आलू प्याज की बनाओ, उनको आलू प्याज की पसंद है और चीज़ तो खाते नहीं, आलू प्याज की पकौड़े बनाते हैं गर्मा गर्म, फिर लेते हैं चाय के साथ। तैयारियां हो गई हैं, सारा कुछ तैयार है, दिखाती हूँ आपको एक बार। ये बन रहे हैं आलू की पकौड़ी। भाई क्या क्या पकौड़ी बना रहे हैं? आलू की और आलू प्याज, और ये थोड़ा इसमें हरी प्याज बनाएंगे। आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हम आपको एक और बात बताएंगे। हमारे पापा 8 साल के थे, पापा की समोसे की दुकान थी और पापा समोसे खरीदते थे, और समोसे छोले ब्रेड पकौड़े पकौड़े ही बनाते थे पापा ना। पापा हमारे समोसे बहुत टेस्टी बनाते। दोस्तों ये टिम्मू कहना है कि ना कि इसके दादाजी की दुकान थी वहाँ पे, तो दादा के साथ इसके पापा, इसके चाचू, इसकी बुआएं सब लगे रहती थी, तो पकौड़े की इनकी समोसा की दुकान थी। कभी आपको ना आलू के समोसे बनते हुए दिखाएंगे, खिलाएंगे भी। फिलहाल फिलहाल बेटा पापा क्या बना रहे हैं पकौड़े ना, ये और अब मैं करती फटाफट चटनी की तैयारी। हाँ गोलू की आज छुट्टी है स्कूल की, तो गोलू मेरे साथ आ गया पकौड़े खाने के लिए। क्या आलू की पकौड़ियों का स्वाद गोलू कैसी हो रही है बता, कैसी हो रही है? कह रहा आंटी मैं ना खाली आलू की खाऊंगा, तो अंकल ने इसके आलू की पकौड़ी बना के दे दी इसको बढ़िया सी। बोलो कैसी हो रही बता? अच्छी हो रही है, देख लो खा रहा है बेटा, खा ले बच्चे खा ले, और मिलेंगे फिर। दोस्तों पकौड़ी मैंने आपको दिखा रही है, बना रही हूँ चटनी हरी धनिया की। इसमें हरा धनिया है, प्याज है, लहसुन है, लाल मिर्च है, धनिया है और साबुत धनिया है, थोड़ा जीरा है और नमक है। इनको फटाफट पीसते हैं और चटनी बनाते हैं, फिर पकौड़ियों का स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। और चटनी बनने के बाद दिखाऊंगी आपको। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिंपल बना रही हूँ, तो फटाफट बनाती हूँ। तैयार है गर्मा गर्म खाने वाले भी बैठ गए, दिखाती हूँ। ये देखो गुन्नू टिम्मू कितने आराम से खा रहे हैं गर्मा गर्म। कैसी हो रही बच्चे? हाँ मस्त। ये इसको इसका पेट नहीं भरा, अभी 2-3 बार खा चुका है ये। बनिए देखो चटनी फर्स्ट क्लास हरी धनिया की, और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और साथ में पकौड़ी, मैं भी खाती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े का आनंद लेती हूँ। पतिदेव बना रहे हैं मेरे यहाँ संडे स्पेशल, छुट्टी है ना तो संडे स्पेशल बना रहे हैं फटाफट। गुन्नू ना पढ़ाई कर रही है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते ना अपना बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है। एक बार आपको ये देखो बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, वो तो लैपटॉप चला रहा था, अपना भी बोल रही है, पता नहीं क्या। मैं सोचा किससे बात कर रही है, सोचा किससे बात कर रही, तो ये लैपटॉप चल रखा है और आराम से कह रही है हाँ इसमें 1 आएगा, इसमें 12, क्या क्या बोलते रहती है अकेले बड़बड़ बड़बड़। जोर शोर से पढ़ाई चल रही मेरी बेटी की। कल काय का पेपर है बच्चा? कल इको का पेपर है, वो ट्यूशन गई है तो घर में शांति का माहौल छाया हुआ है। खाना बना रही हूँ, दाल की कड़ी, कड़ी की दाल, दाल मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। क्या चाहिए? पानी। दोस्तों दिन के खाने की तैयारी हो गई है, आज पकौड़ियाँ खाई है तो पेट में अजीब सा हो रहा है पकौड़ी खा के, क्योंकि पचती नहीं है ऐसी चीजें। तो मैंने कहा दाल चावल बनाती हूँ, बच्चों से कहा कड़ी बनाओ, उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो दाल बनाती हूँ। देखो दाल बनाई है मैंने आज, मिक्स दाल है सारी ये, और मैं लगा रही हूँ लहसुन का तड़का,
और मैंने ना चावल आज अच्छे बनाए हैं। मार निकाल के बनाने का, उसके पापा भी आज घर में ही है तो वो भी थोड़ा चावल खाएंगे बोल रहे हैं, तो मार निकाल के बनाऊंगी ताकि फटाफट बनाती हूँ दाल चावल और गर्मा गर्म दाल चावल खाओगे बच्चे। और टीमू भी ट्यूशन से आ गई है और थोड़ी देर ये लोग मस्ती कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने अपना क्या क्या देखते हैं टीवी में। ठीक है दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। देखो दोस्तों लड़ाई दोनों में भयंकर, कुन्नू ने टिम्मू को मार दिया। ये देखो ऐसे इनकी लड़ाइयाँ होते रहती हैं दोनों की। खाना वाना खाया दोस्तों, आराम करा, उसके बाद शाम हो गई, चाय पी, चाय वाय बना बुनो के सब अपने काम में है। लगते हैं इस काम को होने में भी, ये तमाम गंद मचा पड़ा है पूरी बालकनी में, देखिए कर रहे हैं। देखो दोस्तों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी फुल हो रही है दोनों की। मेरे यार थोड़ा साग सब्जी लेके आती हूँ, चीनी खत्म हो रही है, चीनी लेके आती हूँ। मेरे पतिदेव कहते हैं तुम जाओ लाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए सब्जी वगैरह, सब्जी भी लाती हूँ, थोड़ा टहल के भी आती हूँ, खाना हजम करके आती हूँ। दोस्तों आज ना पकौड़ी खाई, पची नहीं हो पकौड़ियाँ, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा घूम फिर के आते हैं बाजार, हंस हंस के जरा बोल बाल के थोड़ा खाना पचेगा। और आ तो इतना गंद हो रहा है रोड में, सारी रोडें गंदी पड़ी क्योंकि बारिश हुई थी, तो रोडों में पानी भरा हुआ है, फिर भी देखते हैं कोशिश करके। चलो बाजार आए हैं, तो हमने प्लास्टिक की दुकान दी और हमें डब्बे लेने थे, हमने सोचा क्यों ना देख लेते हैं, अनीता ले रही है, देखना कैसे बन के आई है आज, घर के कपड़ों में ऐसी आ गई है, ऐसे बने ऐसे बन के आ गए। उसे पता कि मुझे, मैं ब्लॉग में जाती हूँ फिर भी, तो हम ये प्लास्टिक का सामान हम भी सोचे क्यों ना हम भी बहती गंगा में लेने, सस्ता मिल रहा है तो डब्बे हम भी ले लेते हैं। बाजार से सब्जी पानी वगैरह लेके घर आ गई, भैया बाजार में ऐसा हो रहा है किच किच बारिश की, उससे थोड़ा सब्जी अभी लिया, डब्बे लेने गए, डब्बे दिए नहीं उसने। और बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, कि देखो ये देखो दोनों को देखो, ये देखो कंप्यूटर, आज हमने पेपर के बहुत पढ़ाई कर चुकी, तो अब हम दोनों पढ़। गुन्नू बेटा आपकी पूरी तैयारी हो गई क्योंकि बच्चे हैं, कैसे चाय बनाई मेरी बेटी ने बनाई है, सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया इसने बनाई है, इसने ये देखो खुश, जब भी होते एकदम बनाने चली जाती है चाय। भैया को चाय का अमल लगा था, मैं सभी लेने चली गई, मेरा इंतजार कर रहे थे, फिर लास्ट में उन्होंने बेटी को बोल ही दिया ना चाय बना दो। मस्त हैं दोनों, अभी खाने की तैयारी करते हैं, कुछ बनाती हूँ खाने पीने, हम तो खा नहीं रहे हैं कुछ। ये देखो इनके ऐसे पंगे रहते हैं दोनों, अभी इनका प्यार, अभी इनकी लड़ाई। बना रही हूँ खाना, क्या बना रही हूँ, हम तो खा नहीं रहे दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि दिन में खाया था तो अभी पेट में ऐसे रखा पड़ा है, 3 बजे दाल चावल, और बच्चों ने कहा मम्मा मेथी के पराठे बना दो, तो मैंने इनके लिए मेथी के पराठे बना दिए, पराठे बना दिए बच्चों के लिए मैंने अपने, और चटनी थी दिन की जो पकौड़े के साथ बनाई थी, तो ये चटनी और ये थोड़ा दाल ही बची थी, तो इन्होंने कहा मम्मा हम खा लेंगे। दोनों ले गए अपना चटनी और पराठे, दाल चटनी पराठे खाओ बच्चे। इसके पापा कह रहे कि मेरे दूध गर्म कर दो, तो इन्हें दूध दे दी, और मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, फटाफट इनको पहले पराठे खिलाती हूँ और फिर दूध गर्म करती हूँ। खाना खिला के बच्चों को हो गए रेडी, और आज का संडे का दिन भी बहुत अच्छा रहा, मजा आया, और चल रही है स्कूल की तैयारी है ना, और टिम्मू गुन्नू अपनी स्कूल तैयारी करने लगे क्योंकि कल इनका एग्जाम है, सुबह जल्दी उठेंगे तो अपने जूते वूते अपनी जगह पर रख रहे हैं, यूनिफॉर्म मैंने इनकी प्रेस कर दी। दोस्तों कल आपको मिलती है नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसने चैनल को ना किया हो। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्री नारायण।